तो नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र आप सभी लोगों का अपने इंफॉर्मेटिव इंस्टीट्यूट चैनल में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जब भी हम आरडी में पैसे डिपॉजिट करते हैं तो कंटिन्यू डिपॉजिट होता है तो इस पे कोई डिफॉल्ट फीस या इस पे कोई भी रिबेट अमाउंट इस पे नहीं मिलती है या फिर डिफॉल्ट फीस नहीं लगता है। लेकिन अगर हम इस पे एक्स्ट्रा पैसे जमा करते हैं या फिर हम इस पे बैक डेट की फीस भी जमा करते हैं, जैसे इस पे डिस्कंटिन्यू हो गया लास्ट में 2-4 महीने से इस पे पैसे नहीं जमा हो पाए हैं, तो दोस्तों इस पे जो डिफॉल्ट फीस है वह कितना लगेगा या फिर हम इस पे पैसे एक्स्ट्रा जमा करते हैं तो हमें रिबेट कितना मिलेगा, तो चलिए इसी पे बात करते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल वाले बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिख रहे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डिफॉल्ट फीस के बारे में। तो डिफॉल्ट फीस में क्या होगा कि जब हम इसका, जैसे कि 4 महीने के इन्होंने पैसे नहीं जमा किया है इस पासबुक पे और ये पासबुक हमारा 200 रुपये मंथली इस पे डिपॉजिट होता है, तो 4 महीने का हमारा टोटल हो जाता है 800 रुपये। तो हम अपने RICT डिवाइस पे, इस डिवाइस पे हम जब डिपॉजिट करेंगे तो अकाउंट नंबर इस पे एंटर करने के बाद इस पे आता है अमाउंट। तो अमाउंट जब हम इस पे भरेंगे तो इसमें हमें 4 मंथ की अमाउंट डालनी है, तो हम इसमें 4 मंथ की अमाउंट को पूरा कैलकुलेट करके, जैसे 800 रुपये होता है तो हम 800 रुपये इस पे डालेंगे और 800 रुपये उस पे हमको क्लिक करने के बाद आगे हमारा आएगा कि इंस्टॉलमेंट नंबर 4 4 मंथ की हो रही है, उसके नीचे डिफॉल्ट फीस आएगा तो हमारा डिफॉल्ट फीस हो जाएगा। और इसी पे हम अगर एक्स्ट्रा अमाउंट जमा करना चाहते हैं, जैसे अभी जो अभी हमारा मंथ है इस मंथ की साथ साथ अगले हम 4 महीने की 5 महीने की फीस डिपॉजिट करना चाहते हैं इस पे जब हमें, तो ऐसा अगर हम करते हैं तो इस पे हमको रिबेट मिलता है, उस कैंडिडेट को उसके कुछ पैसे मिलते हैं, जैसे कि लेट हो गया तो उससे ब्याज लगता है, तो अगर हम ज्यादा जमा करते हैं तो उससे कुछ ना कुछ तो फायदा होगा, तो यही फायदा होता है तो उसका रिबेट मिलता है। तो चलिए दोस्तों, हम अपने डिवाइस के माध्यम से देखते हैं कि हमारा जो रिबेट है या फिर डिफॉल्ट फीस है उसे हम कैसे देखेंगे और कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपने RICT डिवाइस के द्वारा इस पे 2 ट्रांजेक्शन करते हैं और उस पे देखते हैं कि हमारा रिबेट और जो डिफॉल्ट फीस है वो कितना लगता है। तो हम अपनी इस डिवाइस को लॉगिन कर लेते हैं और फिर हम इस पे रिबेट और डिफॉल्ट फीस को कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना आता है। ये हमारा डिवाइस लॉगिन होने ही वाला है अब। तो ये हमारा डिवाइस लॉगिन हो चुका है और इस पे देखिए, हम इसमें CBS वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो हमें RD का डिफॉल्ट या रिबेट देखना है तो इसके लिए हम कैश डिपॉजिट पे ही जाते हैं और हम इस पे पहले टाइप करते हैं जिसमें हमको डिफॉल्ट फीस कैलकुलेट करनी है। तो डिफॉल्ट फीस कैलकुलेट करने के लिए हम एक अकाउंट नंबर इस पे टाइप करते हैं, इसके बाद हम यहाँ से सबमिट करेंगे। देखिए दोस्तों, इस पे इसका अवेलेबल बैलेंस और लास्ट इंस्टॉलमेंट अमाउंट दिखाई जा रही है कि 300 रुपये इसमें मंथली डिपॉजिट होता है और अभी तक का इस पे जो डिपॉजिट किया गया है वह 5,400 रुपये है। और इसके नीचे अगर हम इसे स्लाइड को बढ़ाकर देखते हैं तो इस पे दिखाता है इंस्टॉलमेंट पेड टिल 17 तारीख, इसमें पहले डिपॉजिट करना रहता है। तो हमारे पास ये अलग अकाउंट नंबर है, अब इस पे देखते हैं कि इस पे हमको रिबेट अमाउंट कितना हमको मिलेगा। जैसे इसका अकाउंट बैलेंस 22,000 रुपये है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट जिसपे मंथली किस्त है डिपॉजिट करने की वह है इस पर 1,000 रुपये। इसे हम स्लाइड करके यहाँ नीचे देख लेते हैं कि इस पर कितना है, तो हम इसे आगे बढ़ाते हैं तो इस पर देखा है 17/10/2018, मतलब 17/10 को इसकी जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है इसको पेड करना है और इन्होंने लास्ट जो पेड की है यह 15/10 को पेड की है, मतलब इन्होंने पूरा पेड किया है। अगर इसी पे एक्स्ट्रा डिपॉजिट करना चाहते हैं तब इन्हें कितना प्रॉफिट होगा इसे देखते हैं। तो हमने इस पर डिपॉजिट कर दिया है, चलिए हम आगे, इस पर 1,000 का खाता है तो हम इस पर डायरेक्ट 5,000 रुपये डिपॉजिट करके देखते हैं। 5,000 रुपये हम अगर इस पर डिपॉजिट करते हैं तो 5 मंथ का हो जाएगा, तो यहाँ से हम चलिए 5 मंथ का जमा करते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस पर आ रहा है 5 मंथ का, हम इस पर जमा करते हैं तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट है तो 5,000 रुपये हो गई। तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट जो है तो 5 मंथ यहाँ पर हो गया और यहाँ पर रिबेट अमाउंट जो है 100 रुपये, इनको 100 रुपये रिबेट मिलेगा और डिफॉल्ट फीस इसके 0 रुपये है। तो हमको जो ट्रांजेक्शन अमाउंट होगी वह हमारा यहाँ पे 4900 रुपये दिखाई देगा। और दोस्तों, इस वाउचर में आपको यहाँ पास 4900 रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ तो आपको यहाँ पे 4900 रुपये नहीं लिखना है, आपको यहाँ पास डायरेक्ट 5,000 रुपये ही यहाँ पास लिखना है और यहाँ पे RV रिबेट करके और यहाँ पर 100 रुपये आप यहाँ पे लिखेंगे, 5,000 रुपये उस पब्लिक से लेंगे और उसका जो भी रिबेट अमाउंट आएगा उस पब्लिक को दे दिया जाएगा। तो डिफॉल्ट फीस और रिबेट अमाउंट को अपने हिसाब में पोस्ट ऑफिस के जो अकाउंट रजिस्टर हैं उस पर कैसे हिसाब पे लिया जाएगा और डेली अकाउंट पे कैसे हिसाब पे लिया जाएगा, इसके बारे में मैं अगली वीडियो पे बताऊंगा जल्दी ही। तो दोस्तों, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम आगे
जो जब वीडियो अपलोड करेंगे तो इसको इन्फॉर्मेशन आप तक जरूर मिलेगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक अगली नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।